केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और जनता से जुड़कर आगामी लोकसभा चुनाव में फतह हासिल करने के लिए सोमवार को 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के महानगर अध्यक्ष कृष्ण कुमार के नेतृत्व में शास्त्री चौक से अम्बेडकर चौक तक कमल संदेश पद यात्रा निकाला। कमल संदेश पद यात्रा में नगर विधायक डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल शामिल हुए और अम्बेडकर चौक पर पहुंचकर अम्बेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए महानगर अध्यक्ष कृष्ण कुमार और नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा, यही पुकार बार बार मोदी सरकार, दलितों शोषितों की यही पुकार बार बार मोदी सरकार, दलितों शोषितों की यही पुकार बार बार मोदी सरकार, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, दलितों शोषितों की यही पुकार बार बार मोदी सरकार, दलितों शोषितों की यही पुकार बार बार मोदी सरकार, दलितों शोषितों की यही पुकार कृष्ण कुमार अनुसूचित मोर्चा महानगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी कमल संदेश पद यात्रा हम लोग सभी अनुसूचित मोर्चा महानगर के सभी पदाधिकारी आज हम लोग कमल संदेश पद यात्रा लोग निकाले हैं। क्या इसका उद्देश्य क्या है, कहाँ से निकाले हैं? हम लोग कलेक्टिव कचहरी से लेके आज शास्त्री चौक तक, शास्त्री चौक से लेके आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी तक मार्पण उनका किए, आज पदयात्रा का कार्यक्रम उन्होंने संबोधित किया। ये भारतीय जनता पार्टी महानगर इकाई के अनुसूचित मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अपने अनुसूचित मोर्चा के संयोजक कृष्ण कुमार जी के नेतृत्व में महानगर में एक जागरण पैदा करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और भारत और उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो समाज के दलित पीड़ित उछले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए जो ढेर सारी योजनाएं बनाई हैं और जिनको जमीनी धरातल पर कार्यान्वित किया है उसके बारे में जागरूकता पैदा करने और उनको इसकी जानकारी देने के लिए यात्रा निकाली थी। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री हुए हैं लगातार उनकी प्राथमिकता यही है कि शासन समाज के गरीब वर्गों की बेहतरी के लिए काम करे और स्वाभाविक रूप से अनुसूचित वर्ग के लोग उसमें सबसे अधिक प्रभावित हैं, इसलिए मोदी जी की योजनाओं के सबसे बड़े लाभार्थी भी वही हैं। चाहे वो मकान निर्माण का प्रधानमंत्री आवास योजना का काम हो, चाहे वो घर में मुफ्त बिजली देने के सौभाग्य योजना का काम हो, चाहे स्वच्छता अभियान के तहत वो घर में शौचालय बनवाने का काम हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना के तहत उनको पूरी तरह सब्सिडाइज करके गैस कनेक्शन देने का काम हो, चाहे वो भारत खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत उनको बहुत सस्ते दर पर 1 रुपये और 2 रुपये किलो पर अनाज देने की बात हो, चाहे उनकी स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए चलाया गया अंशुमान योजना हो या उनके समाज के बूढ़े लोगों के लिए जो वृद्धा पेंशन है, जो विधवाओं के लिए विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, ये सबके लाभार्थी जो प्राथमिकता के आधार पर मोदी सरकार ने तय किए थे समाज के गरीब दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, आज उनको उनके लिए बधाई देना, मोदी जी के प्रति आभार करना और जनता को इस संदर्भ में जागरूक करना, यही सात्या का उद्देश्य है। मैं आभारी हूँ अपने महानगर संयोजक का जिन्होंने आज इस यात्रा को निकालने का काम किया।